ग्राहक गया दुकानदार के पास, बोला भैया लाल मिर्च देना। दुकानदार ने उधर देखा, लड़के को कहा हरी इनको मिर्च दे दो। भैया लाल मिर्च चाहिए हरी नहीं, तो हरी तो इस लड़के का नाम है, लाल मिर्च तो देनी है इसने। आपको सबसे शुद्ध माल कौन देता है? आपका कस्टमर सर बिजली वाले। वो कैसे? जरा हाथ लगा के देखिए ना, पता चल जाएगा एकदम शुद्ध माल होता है। जी मैं 12वीं में पास हो गया, अब मैं डपड़ा हो गया, डॉक्टर बनूंगा और कोरोना की दवाई ढूंढूंगा, कोरोना की दवाई बना के सबको ठीक कर दूंगा। क्या बेटा कोरोना से धोखा देगा? 3 बार में एक ही बार तो पास हुआ है कोरोना की वजह से, और कोरोना की ही दवाई बनाएगा। एक आदमी वोट देने गया, वोट देने के बाद में वोट वाले ने उसकी उंगली पे निशान लगा दिया काला। तो उसने उससे पूछा भैया ये निशान कब तक रहेगा? कहते हैं ये 3 महीने तक रहेगा, बड़े आराम से चलता रहेगा 3 महीने तक, धीरे धीरे खत्म होगा। अच्छा थोड़ी सी और दे दो ना मुझे, क्या करोगे? कि बालों में लगाऊंगा, टाइम जो है ना 3 दिन तक चल जाएगी मेरी। पति ने पत्नी से कहा आज क्या बनाया है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कहती आपकी पसंद की चीज बनाई है। तो क्या? कद्दू और मटर। अच्छा लाओ खाते हैं। अब पति ने सारे सब्जी में ढूंढ लिया, उसे मटर कहीं नजर नहीं आया, कद्दू कद्दू तो जरा आ रहा था। उसने कहा भैया ये कद्दू का है, मटर कहाँ है? कहती बराबर बराबर मिलाए थे, एक कद्दू और एक मटर। अंशु दिल्ली से। अरे यार आजकल तो पापा को ना सजा देनी बहुत आसान हो गई है, ना पिटाई करते हैं, ना हमें कोई सजा देते हैं, ना मुर्गा बनाते हैं, कैसे आसान हो गई? कहते भैया तो चार्जर छिपा दो या मोबाइल छिपा दो, सजा हो गई। विदेशी दोस्त से दोस्तों ने कहा अरे खाने में तुम क्या खाते हो? कहता हम तो सैलेड खाते हैं, सैलेड। कहते सैलेड? कहता हाँ तुम नहीं खाते क्या? कहता सलाद तो हम खाने के आदमी ने कहा खा जाते हैं सारे का सारा, बाद में तो खाना खाते हैं हम, पहले सैलेड ही खाते हैं। राजू को फार्म भरने के लिए पासपोर्ट वालों ने बुलाया, पासपोर्ट ऑफिस में आपका आइए और फार्म भर दीजिए तो आपका पासपोर्ट बन जाएगा। राजू गया अच्छे से कपड़े पहन के हीरो बन के, तो वहां सबसे पहले लिखा हुआ था आपका नाम, उसने लिख दिया राजू श्रीवास्तव। आपके पिताजी का नाम, उसने पिताजी का नाम लिख दिया ऋषिलाल श्रीवास्तव। आपका पता 8-10-5 राजनगर गाजियाबाद, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा आप अपना पैन नंबर बताइए। कहता पान जो है वो तो चूना करता हल्का सुपारी और गिरी सुपारी डालना, और उसमें किमाम सौंफ और मलट्ठी और गुलकंद, यही मेरा पान है। कहता ऐसे कर पान की दुकान करने के लिए। सेल्समैन ने पूछा सर काकरोच का पाउडर लेंगे? मैंने कहा आज काकरोच का पाउडर दे रहा है, कल का परफ्यूम भी देगा। अरविंदा बोली अपनी सहेली से मेरे परेशान हो गई हूं मैं। उसने कहा क्या हो गया? सहेली बोली कहती है मेरे पति रोज YouTube पे अलग अलग खाना बनाने की रेसिपी देखते हैं। कहती तो इसमें बनाई क्या है, देखने दे, शाम को तो अभी दाल चावल ही बना लेते हैं। नो 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 नो।